हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑटो इनसाइट एंड दिस इज एप्रिलिया स्टॉर्म। अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी अपीलिंग स्कूटी है, रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, साइड प्रोफाइल भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। और चलिए पहले इसकी फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें हैंडल बार पे दोनों साइड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और सेंटर में एक एप्रिलिया की बैजिंग देखें तो इसके, और नीचे तो हमें हर जगह इसके ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स हैं स्कूटी पे, जहाँ पे हमें इस साइड और इस साइड भी स्टॉर्म की बैजिंग मिलती है। थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ हेडलाइट मिलती है हमें, जहाँ पे दोनों साइड पार्किंग लैंप और सेंटर में एक हेलोजन बल्ब। लाइट के जस्ट नीचे हमें एक फिर से ग्राफिक देखने को मिलता है जिधर जो कंपस स्टाइल में है। बात करें इसके टायर साइज़ की तो हमें 12 इंचज का एलॉय व्हील मिलता है विद ड्रम ब्रेक। देखा जाए इसके सस्पेंशन तो हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, साइड में हमें यहाँ पे फिर से ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और नीचे एक बीआर रेसर की बैजिंग मिलती है। बीआर रेसर के नीचे फिर से हमें एक एप्रिलिया की बैजिंग मिलती है और साइड से एंड का स्पेस मिलता है जो पार्ट एसेसरी का है। अगर इसकी हम हैंडल बार की फिर से बात करें तो यहाँ पर हमें हेडलाइट के स्विच मिलते हैं जो हाई बीम और लो बीम के लिए, और अलॉन्ग विथ पासिंग लाइट। यहाँ पे हमें इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे हॉर्न स्विच मिलता है। सेंटर में हमें सिंपल एनालॉग वाला ही आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और फ्यूल गॉज भी। इस साइड हमें सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है और यहाँ हमें साइड मिरर्स भी मिलते हैं। बात करें अगर इसकी सीट की तो हमें ब्लैक कलर में ही सीट मिलेगी विद ब्लैक स्टिचिंग। यहाँ सीट लॉक है। अगर सीट्स पे इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें 15 लीटर का स्पेस मिलता है। इधर हमारी बैटरी लगती है और ये हमारी फ्यूल लिड जिसमें हमें 6.5 लीटर का टैंक मिलता है। साथ में हमें पीछे पिलियन सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ वापस हमें स्टॉर्म की बैजिंग मिलती है और उसके थोड़ा सा नीचे 3V टेक यानी 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी। देखें यहाँ पे वापस हमें कंपास की थोड़ी सी बैजिंग देखते हैं और यहाँ साइड रेस्ट हमें दोनों साइड मिलता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें हमें 125 सीसी का BS6 इंजन देखने को मिलता है विद फ्यूल इंजेक्शन। इसमें हमें 9.4 BHP और 8.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। यहाँ हमें साइड में किक भी देखने को मिलती है। बात करें इसके रेयर टायर की तो वो हमें 12 इंचज का ही मिलता है विद ड्रम ब्रेक्स। अगर इसकी बैक प्रोफाइल को देखें तो वो भी काफ़ी अपीलिंग है पीछे से। यहाँ पे हमें बैक में नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलती है और दोनों साइड इंडिकेटर। यहाँ हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और ये एक टेल लाइट देखने को मिलती है। अगर इसकी दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे भी हमें सेम वॉइस स्टॉर्म की बैजिंग, 3V टेक और उधर कंपास देखने को मिलता है। उससे नीचे हमें यहाँ पर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और उसके साथ में फ़ैन। इधर भी हमें फुट रेस्ट देखने को मिलता है। बात करें इसके कलर की तो इसमें हमें 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, रेड, ब्लैक, येलो एंड वाइट। और देखा जाए तो इसकी ऑन रोड प्राइस 99,770 है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।